स्वागत है आप सबका भारत द्वारा बनाए गए इंडिजीनियस रडार सिस्टम सीरीज के दूसरे एपिसोड में। पहला वीडियो हमने रोहिणी रडार के ऊपर बनाया था और आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO द्वारा बनाए गए उत्तम AESA रडार के बारे में, जिसे भारत के सभी इंडिजीनियस फाइटर जेट में यूज किया जाएगा। तो अगर आज के मॉडर्न डे फाइटर जेट को देखें तो इन सभी फाइटर जेट में बेसिकली दो टाइप के रडार का यूज किया जाता है, एक PESA और दूसरा AESA। PESA का मतलब है पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार और AESA का मतलब है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार। और आज के सभी टॉप मिलिट्री पावर कंट्री अपने फाइटर जेट को AESA रडार से इक्विप करना चाहती है। एग्जाम्पल के लिए भारत का Su-30MKI एक PESA रडार से इक्विप्ड है, लेकिन अब इसे चेंज करके AESA रडार से इक्विप किया जाना है। और इसके कुछ सिंपल रीजंस हैं, और वो रीजन ये है कि PESA रडार एक बार में केवल एक ही रेडियो वेवलेंथ को एमिट करने में सक्षम होता है, लेकिन AESA रडार एक बार में बहुत सारे वेवलेंथ को एमिट करने में सक्षम होता है। वहीं जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है AESA रडार का इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के अगेंस्ट एक हाई डिग्री का रेसिस्टेंस प्रदान करना, मतलब ये कि ये इजीली जैम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो थर्ड बिगेस्ट एडवांटेज है वो ये है कि AESA रडार मल्टीपल मोड में ऑपरेट हो सकता है, और अगर उत्तम की बात करें तो उत्तम टोटल 18 मोड में ऑपरेट होने में सक्षम है। उत्तम एक सॉलिड स्टेट गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार है, जिसे DRDO की लैब LRDE ने विकसित किया है। ये रडार एक स्केलेबल रडार है, यानी कि इसमें मौजूद TR मॉड्यूल के नंबर्स को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, और इन्हीं TR मॉड्यूल के नंबर के आधार पर और इसे मिलने वाली पावर सप्लाई के आधार पर इस रडार के रेंज को भी बढ़ाया या घटाया जाता है। उत्तम AESA या कोई भी AESA रडार एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड एंटीना होता है, जिसमें कोई भी पार्ट मैकेनिकली मूव नहीं कर रहा होता है, और इसमें मौजूद हर एक TR मॉड्यूल यानी कि ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल का एक पैक खुद में ही इंडिपेंडेंटली एक AESA रडार की तरह वर्क करता रहता है। उत्तम में ये TR मॉड्यूल क्वाड पैक्ड हैं, और क्वाड पैक्ड होने की वजह से ये एक स्केलेबल रडार है। उत्तम अपने मिशन के दौरान 100 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और उसमें से 50 को ट्रैक करते हुए 6 को एंगेज कर सकता है। उत्तम AESA के कुछ की फीचर्स की बात करें तो उसमें से पहला है एक्सटेंडेड डिटेक्शन रेंज, दूसरा है मल्टी टारगेट ट्रैकिंग, तीसरा है हाई ECCM मींस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर इम्यूनिटी, चौथा है हाई रेजिस्टेंस इमेजिंग, पांचवा है वेदर ट्रैकिंग, और छठा है डॉपलर बीम शार्पनिंग। उत्तम AESA के 95% कंटेंट इंडिजीनियस हैं और सिर्फ एक कंपोनेंट ही इंपोर्टेड है। इस रडार की डेवलपमेंट को 2012 में स्टार्ट किया गया था और 2017 के एरो इंडिया शो में इसे डिस्प्ले किया गया, और दो साल बाद फिर 2019 में फुली फंक्शनल उत्तम को अनवील किया गया था, जिसके बाद उत्तम ने अपने 250 R के एयरबॉर्न टेस्टिंग कम्प्लीट की। इस टाइम पे DRDO उत्तम के टोटल 4 वेरिएंट पे काम कर रहा है, और जिसका बेसलाइन वेरिएंट उत्तम AESA रडार है। इस रडार को इनिशियली तेजस MK1A के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन इस रडार के ओवरवेट होने की वजह से इंडियन एयरफोर्स ने इजरायली ELM-2052 को तेजस के साथ इक्विप करने का डिमांड दिया था। लेकिन अब DRDO उत्तम का MK1A वेरिएंट बना चुकी है, जो तेजस MK1A के लिए परफेक्ट है, और इस रडार ने अपने सभी टेस्टिंग को भी कंप्लीट कर लिया है। वहीं इसका वेट भी अब ELM-2052 के बराबर का है। तो तेजस MK1A के पहले 20 यूनिट के बाद बाकी के जो भी तेजस MK1A होंगे वो उत्तम MK1A रडार से इक्विप होकर आएंगे। वही उत्तम का जो दूसरा वेरिएंट जिस पर DRDO वर्क कर रहा है वो उत्तम MK2 वेरिएंट है। इस रडार के TR मॉड्यूल उत्तम में मौजूद TR मॉड्यूल से ज्यादा होंगे, और DRDO इस रडार को भारत के अपकमिंग तेजस MK2, AMCA और TDBF फाइटर जेट के लिए बना रही है। वही उत्तम का जो थर्ड वेरिएंट है वो एक हैवी कैटेगरी फाइटर जेट के लिए है, मतलब कि Su-30MKI के लिए। Su-30MKI के लिए DRDO एक लार्जर और बिगर वेरिएंट पे वर्क कर रहा है, जिसे Su-30MKI के सभी 272 यूनिट के साथ इक्विप किया जाएगा। वही जो फोर्थ वेरिएंट है वो उत्तम का गैलियम नाइट्राइट वेरिएंट वाला रडार होगा, जिसे MK2 के लिए बनाया जा रहा है। तो इन चारों टाइप के उत्तम सीरीज के रडार में उत्तम MK1A की टेस्टिंग अपने फाइनल स्टेजेस में है, और DRDO ने लास्ट ईयर ही इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी HAL को कर दी थी, जिससे कि एक बार टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद ये रडार डायरेक्ट अपने फाइनल प्रोडक्शन में चला जाए। उसके अलावा उत्तम MK2 भी अपने डेवलपमेंट के एडवांस स्टेजेस में है, और अस्त्रा माइक्रोवेव द्वारा इसके दो प्रोटोटाइप को ऑलरेडी LRDE को डिलीवर कर दिया गया है। वही जो थर्ड वेरिएंट है जो Su-30MKI के लिए है, उसे 2026 तक बनाकर कंप्लीट कर लिया जाएगा, और जो फोर्थ वेरिएंट है उस पर वर्क अपने इनिशियल स्टेजेस में है। अगर उत्तम में मौजूद TR मॉड्यूल की बात करें तो उत्तम MK1A में टोटल 784 के आसपास TR मॉड्यूल मौजूद है, वहीं उत्तम MK2 में 960-1280 TR मॉड्यूल मौजूद होंगे। वहीं Su-30MKI के लिए बनाए जा रहे वेरिएंट में 1400 TR मॉड्यूल मौजूद होंगे।
तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत के सभी फाइटर जेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से DRDO अलग अलग AESA रडार को बना रही है और आने वाले 5 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स के सभी फाइटर जेट इंडिजीनियस रडार से इक्विप्ड होंगे और इसका सीधा फायदा इंडियन एयरफोर्स को ही होगा। वहीं जहां पे वर्ल्ड के कुछ फाइटर जेट में गैलियम आर्सेनाइट के बदले अब गैलियम नाइट्राइट वाले AESA रडार का यूज होना स्टार्ट हो चुका है, तो इस क्षेत्र में भी DRDO अपना वर्क स्टार्ट कर चुकी है और आफ्टर 2030 भारत के भी सभी फाइटर जेट गैलियम नाइट्राइट बेस्ड AESA रडार से इक्विप्ड होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सुझाव या सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे डिफेंस से रिलेटेड हर अपडेट आप तक पहुँचता रहे। टिल देन, जय हिंद।